हेलो फ्रेंड्स, कुकिंग विद रेनू में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की मेरी रेसिपी है चावल के आटे के फ्राइम्स बनाने की। इन्हें हम चावल के चिप्स भी कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, चावल के आटे के फ्राइम्स बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। यहाँ पर मैंने 1 कप चावल का आटा लिया है, 1 छोटी चम्मच नमक, 1/2 चम्मच अजवाइन, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, इसे खाने वाला सोडा या मीठा सोडा भी कहते हैं। यहाँ पर मैं चावल के चिप्स कलरफुल बनाऊंगी। आधे में मैं वाइट ही रखूंगी और आधे में मैं यहाँ पर केसरी येलो फूड कलर ऐड करूंगी। 1 चुटकी हींग, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1 चम्मच ऑयल। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम एक कोई बर्तन लेंगे और उसमें जो हमने चावल का आटा लिया है उसको डाल देंगे। यहाँ पर अभी मैंने 1 कप पानी लिया है, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका स्मूथ पेस्ट बना के रेडी कर लेते हैं। ये देखिए, हमने इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना के रेडी कर लिया है, इसमें कोई भी लम्स नहीं है। यहाँ पर अभी मैंने 1 कप पानी ऐड किया है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। मैंने एक बड़ा बर्तन रख दिया है और इसमें मैं जिस कप से मैंने चावल का आटा लिया है उसी कप से मैं इसमें 7 कप पानी और ऐड करूंगी, क्योंकि 1 कप पानी जब हमने बैटर ये तैयार किया है उस समय ऐड किया है, तो यहाँ पर हम टोटल 8 कप पानी यूज़ करेंगे। जितना हम चावल का आटा लेंगे उसका 8 गुना पानी हमें लेना है। तो यहाँ पर मैंने 1 कप चावल का आटा लिया है तो यहाँ पर मैं टोटल 8 कप पानी लूँगी। तो यहाँ पर मैंने 7 कप पानी लिया है। 1 कप पानी मैं पहले यूज कर चुकी हूँ। गैस की फ्लेम ऑन कर देते हैं और इसको बॉईल होने देते हैं। पानी में उबाल आ गया है, अब इसमें हम ऐड कर देंगे नमक, काली मिर्च पाउडर, हींग, अजवाइन, बेकिंग सोडा और ऑयल। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो हमने ये बैटर बना के रेडी किया है इसको हम थोड़ा थोड़ा एक हाथ से डालते रहेंगे और दूसरे हाथ से हम बराबर से इसको चलाते रहेंगे। इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं कि अभी ये काफ़ी पतला है, हमें इसी तरह का चाहिए था। गैस की फ्लेम अभी हाई है, जब तक कि इसमें एक उबाल नहीं आ जाता है चावल का बैटर डालने के बाद हम इसको इसी तरह से चलाते रहेंगे। ये देखिए, इसमें उबाल आ गया है। अभी हमने गैस की फ्लेम हाई कर रखी थी, जैसे ही इसमें एक उबाल आ जाएगा हम गैस की फ्लेम लो और मीडियम कर देंगे और लो और मीडियम फ्लेम पर इसको अच्छे से कुक होने देते हैं, क्योंकि जब हमारा चावल का आटा अच्छे से कुक हो जाएगा तभी हमारे फ्राइम्स अच्छे से बनेंगे। अगर ये कुक अच्छे से नहीं हो पाएगा तभी हमारे चिप्स जो हैं बीच में से क्रैक होने लगेंगे, अच्छे नहीं बनेंगे। तो हमें इसे कुक अच्छे से करना है तभी हमारे फ्राइम्स अच्छे बन के तैयार होंगे। तो इसको अब हम लो मीडियम फ्लेम पर अच्छे से कुक होने देते हैं और इसको बराबर से हमें चलाते रहना है जिससे कि ये तले में चिपके नहीं। ये देखिए, हमने इसको लो मीडियम फ्लेम पर 10 से 12 मिनट और कुक किया है। तो अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, हमें इसकी यही कंसिस्टेंसी चाहिए थी। ये देखिए, आप देख सकते हैं। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको गैस से नीचे उतार लेते हैं। इस मिश्रण को हम 2 भाग में कर लेते हैं क्योंकि एक में हम कलर ऐड करेंगे, तो आधा मैं इस दूसरे बर्तन में इसको निकाल लेती हूँ। इसको हमने 2 पार्ट्स में कर लिया है। अब इसके 1 पार्ट्स में 1 चुटकी मैंने यहाँ पर केसरी येलो कलर फूड कलर ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर 2 तरह के फ्राइम्स बनाएंगे, एक हम वाइट ही रखेंगे और एक में थोड़ा सा हमने कलर ऐड कर दिया है। जब तक हम एक पोर्शन के इसके बनाएंगे तब तक दूसरे को हम
ढककर रखेंगे, अगर ये ठंडा हो गया तो ये थिक होता चला जाएगा। तो सबसे पहले हम ये कलरफुल बना के रेडी कर लेते हैं। अब हमने एक पॉलीथीन ले ली है, इसको हमें पॉलीथीन पर ही फैलाना है। अगर आप कपड़े पे फैलाएंगे तो ये चिपक जाएंगे, निकलेंगे नहीं। आप चाहें तो इस पे हल्का सा ऑयल भी लगा सकते हैं। मैं इस पे पहले भी पापड़ बना चुकी हूँ तो ऑलरेडी थोड़ी सी चिकनी है, तो मुझे इसमें ऑयल लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप नई पॉलीथीन ले रहे हैं तो उस पे थोड़ा सा आप बहुत हल्का सा ऑयल लगा सकते हैं। इसको हमें ज़्यादा वेट नहीं करना है, गर्म ही गर्म फैलाना है, क्योंकि जैसे ही ये मिश्रण थोड़ा सा ठंडा होता जाएगा ये थिक होता चला जाएगा। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, जैसे इडली और डोसे की बैटर की होती है उसी तरह की इसकी कंसिस्टेंसी है, तो हमें यही रखनी है। अब यहाँ पर मैंने एक स्पून ली है और इस तरह से बहुत हल्का सा, हमें इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है। आप पास से देखिए मैंने इसको कितना मोटा फैलाया है, और क्योंकि हम चिप्स बना रहे हैं तो हमें इसका साइज़ भी छोटा ही रखना है। तो यहाँ पर मैंने ये स्पून ली है और मैं यहाँ सिर्फ एक स्पून ही डाल के इस तरह से बस बहुत हल्के हाथ से इसको इस तरह से करना है। तो इसी तरह से हम अपने सारे फ्राइम्स फैला के रेडी कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये देखिए, तो सारे बना के तैयार कर लेते हैं। देखिए हमने जो कलरफुल बनाए हैं केसरी येलो कलर डाल के, वो हमने अपने फ्राइम्स बना के रेडी कर लिए हैं। अब जो हमने वाइट वाला इसका मिश्रण था जो ढक के रख दिया था, अभी ये भी काफ़ी गर्म है, ठंडा नहीं हुआ है, तो इसको एक बार और अच्छे से मिक्स करके अब इसी तरह से हम अपने वाइट वाले भी बना के रेडी कर लेंगे। ये देखिए इन्हें बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसी तरह से हम अपने वाइट वाले बना के भी रेडी कर लेते हैं। ये देखिए हमने अपने दोनों तरह के फ्राइम्स बना के रेडी कर लिए हैं। अब हम इनको धूप में सुखा लेंगे। अगर आपके घरों में धूप नहीं आती है तो आप इनको फैन में भी सुखा सकते हैं। तो इनको सुखा के हम रेडी करते हैं। ये देखिए हमने चावल के चिप्स को अच्छे से धूप में सुखा लिया है। इनको सुखाने में हमें 2 दिन का टाइम लगा है। तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने कलरफुल बनाए थे वो इस तरह के हो गए हैं, और जो वाइट बनाए थे उनका कलर आप देख सकते हैं कि वाइट से एकदम डार्क हो गया है। जब आप फ्राई करेंगे तो इनका कलर दोबारा से आपको लाइट दिखने लगेगा। तो चलिए अब हम इनको फ्राई करके भी आपको दिखाते हैं। हमने एक कढ़ाई रख ली है, ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं आपको फ्राई करके भी दिखाती हूँ। हम इनको तभी फ्राई करेंगे जब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म होगा। ये देखिए इनको डालने के बाद हम गैस की फ्लेम लो कर देंगे जिससे कि ये जले नहीं। ये देखिए कितने बढ़िया हमारे चावल के फ्राइम्स और चावल के चिप्स ये देखिए बनके तैयार हैं। ये आप देख सकते हैं, और फ्राई करती हूँ। ये देखिए ये देखिए अब हम इनको निकाल लेंगे, ज़्यादा देर नहीं ऑयल में रखेंगे नहीं तो ये जलने लगेंगे। ये देख सकते हैं, देखिए हमने चावल के आटे के फ्राइम्स फ्राई करके रेडी कर लिए हैं। इनको बनाते समय आपको एक ही विशेष ध्यान रखना है कि आप जो बैटर तैयार कर रहे हैं वो अच्छे से कुक हो जाना चाहिए। अगर आपका चावल का आटा अच्छे से कुक नहीं होगा तब भी आपके चावल के चिप्स चाहे बनाएं चाहे आप चावल के पापड़ बनाएं तो वो फटने लगेंगे। ये अच्छे से कुक भी होना चाहिए, और इसको जब आप फैलाएं तो आप मोटा ही फैलाएं, क्योंकि आप जितना भी मोटा फैलाएंगे सूखने के बाद थोड़ा सा पतला ही हो जाता है। तो आप जब भी इसको फैलाएं तो थोड़ा सा इसको मोटा ही रखें। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारे चावल के आटे के फ्राइम्स और चिप्स बनके तैयार हैं। तो ये थी आज की मेरी रेसिपी, प्लीज़ ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।